अरे वाह मटरू, तुम्हारी ये नई रोबोट वाली डॉल तो बहुत ही अच्छी है। हाँ देखो तो कितना अच्छा डांस भी कर रही है, मुझे भी दिखाओ ना ये रोबोट डॉल। टिंको स्माइली ये मेरा नया खिलौना है और ये मैं किसी को नहीं दूंगी। क्या हो रहा है बच्चों, तुम दोनों उदास क्यों हो? आंटी देखिए ना, मटरू हमें अपने इस नए रोबोट वाले खिलौने के साथ खेलने ही नहीं दे रही है। क्या हुआ मटरू, तुम अपने खिलौने क्यों नहीं दे रही हो अपने दोस्तों को? मम्मी ये मेरा नया खिलौना है और मैं ये किसी को नहीं देना चाहती। हाँ रोबोट है तो तुम्हारा, पर पता है मटरू, दूसरों के साथ बांटने से ये पता चलता है कि हम उनकी कितनी परवाह करते हैं। हाँ मटरू, अपनी चीजें बांटना अच्छा होता है और मजेदार भी। और सोचो अगर तुम्हारे साथ कोई अपनी चीजें नहीं बांटे तो तुम्हें कैसा लगेगा मटरू? मैं समझ गई मम्मी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और बुरा महसूस होगा। सॉरी दोस्तों, ये लो तुम दोनों भी खेल सकते हो मेरे इस नए खिलौने से। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ आज मैं कुछ स्पेशल लाई हूँ लंच में। क्या हुआ राजू, तुम्हारे टिफिन कहाँ है? आज मैं अपना टिफिन नहीं लाया, मेरे पापा की तबीयत खराब है। कोई बात नहीं राजू, तुम हमारा टिफिन खा सकते हो। स्वादिष्ट खाने से है डब्बा मेरा फुल, खाएंगे अगर हम साथ साथ तो भूख हो जाएगी गुल। अरे वाह देखो तो, ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई पार्टी हो। बच्चों आप सभी को ऐसे मिलकर खाना खाते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पता चलता है कि आप दूसरों की कितनी परवाह करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या आपने भी कभी अपनी मनपसंद चीज किसी के साथ बांटी है? आपने वो चीजें किसके साथ बांटी थी और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? इसके बारे में सोचिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को जरूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।